हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सीएस प्रीति मलिक सिंह। और आज जो हमारा टॉपिक है वो की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। मेरी कुछ बातें बहुत ध्यान से सुनना। मैंने यहाँ पे एक नोटिंग बना रखी है जो कि फास्ट ट्रैक नोटिंग है और स्पेसिफिक एग्जाम से एक दिन पहले की ही नोटिंग है। कहीं ना कहीं आपको एक बात ध्यान रखनी है कि मेरा ऑब्जेक्टिव आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट देना है, और जितनी भी देर की ये क्लास चले उसे फोकस पढ़ना है, फोकस रिवाइज करना है। ये जो नोट्स आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, सारे नोट्स आपको पहुंच जाएंगे आपके व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको ये चैप्टर पूरा का पूरा क्या करा रही हूँ, रिवाइज करा रही हूँ। जब आप ये चैप्टर रिवाइज कर लोगे तो इसके अलावा आपको कुछ और करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोफेशनल कोर्स में सबसे बड़ी, सीएस में, सीएस जैसे कि एक प्रोफेशनल कोर्स है, इसकी सबसे बड़ी दिक्कत एक ही है, वो है कि जब हमारे एग्जाम्स होते हैं उस समय हमारा एंटायर सिलेबस रिवीजन होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हिम्मत हार जाते हैं, समझ में नहीं आता कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, दैट्स व्हाई वो कहीं ना कहीं या तो अटेम्प्ट ड्रॉप करते हैं या फेल हो जाते हैं। बट मैं बहुत पॉजिटिविटी से स्टार्ट कर रही हूं, आपको एक ऐसा मूल मंत्र दे रही हूं कि यहां नहीं, मैं सिर्फ CSEET नहीं पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ CS प्रोफेशनल एंड एग्जीक्यूटिव ऑल लॉ पेपर्स एंड प्रोफेशनल लॉ पेपर्स। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे यही बता रही हूँ। आपका तो पहली बार एग्जाम है, मेरे सामने तो हर अटेम्प्ट में इतने सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर डर गए तो मर गए, और डर के आगे जीत है। तो मैंने जो ये नोट्स नोटिंग जो डेवलप करी है वो आप ही के लिए है, आप ही के बेनिफिट के लिए है, बस ध्यान से आपको सुनना है। देखिए, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरमेंट आपके यहाँ पे टॉपिक है ना, उसी के साथ साथ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरमेंट का जो टॉपिक है उसमें एक चैप्टर का नाम है की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। ध्यान से सुनो, की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, इट मीन्स इस चैप्टर का नाम से अगर हम समझे तो एक बात हमें बहुत साफ हो गई है। की का मतलब होता है चाबी, और गवर्नमेंट की संस्थाएं, इट मीन्स गवर्नमेंट के ऐसे बहुत सारे काम है जो ये इंस्टीट्यूशंस ही करती हैं। अब इंस्टीट्यूशन कौन कौन सी हो सकती है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली बात हम करेंगे नीति आयोग। देखिए, मैं आपको बताऊं, आई एम मोर फेमस अमंग द स्टूडेंट्स एज अ क्रक्स एक्सपर्ट, एंड इसका फायदा आपको भी कहीं ना कहीं आज मिल रहा है। पहली इंस्टीट्यूशन है आपकी नीति आयोग। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकता है वो क्वेश्चन आ सकता है नीति की फुल फॉर्म। प्लीज नोट करिए इस बात को, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकता है दैट इज द नीति की फुल फॉर्म आ सकती है। तो नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगेन रिपीट, प्लीज मेरे साथ रिपीट भी करिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नंबर टू, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन। आप एक बात बताइए, जो हमारे देश है नेशनल, राष्ट्रीय, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए इनका कहीं ना कहीं विजन है। प्रायोरिटीज की अगर हम बात करें, कई सारे सेक्टर पे इन्होंने ध्यान दिया, जैसे एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, एक्टिव प्रायोरिटीज जो है वो स्ट्रैटेजीज बनाना है, नई नई नीति बनाना है, नए नए तरीके बनाना है, कैसे हम अपने देश को डेवलप कर सकते हैं। उसी के साथ साथ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स, ये बात आप ध्यान रखना, कभी भी अगर हमें अपने देश की उन्नति करनी है तो अकेली केंद्र सरकार, इट मींस नॉट ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सफिशियंट टू इंप्लीमेंट ऑल द पॉलिसीज, हमें कहीं ना कहीं जरूरत है सबका साथ सबका विकास। तो इट मींस स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं उनका भी एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। आर यू गॉट द पॉइंट, प्लीज रिपीट अगेन। नीति की फुल फॉर्म बताइए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नंबर टू, ऑब्जेक्टिव शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। प्रायोरिटीज बहुत सारे सेक्टर्स पे है, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स, क्योंकि अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट इन नीति को, इन नई नई स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके आगे नहीं बढ़ सकती, उनको जरूरत पड़ती है कहीं ना कहीं किसकी, स्टेट गवर्नमेंट की। नेक्स्ट, कॉपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट इनिशिएटिव्स। कॉपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू स्ट्रक्चर सपोर्ट इनिशिएटिव्स डेवलप सिस्टम, इन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर रखा है, एक अच्छा प्लान बना रखा है विलेज लेवल पे, एग्रीगेट प्रोग्रेस एट हाई लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। स्पेशल अटेंशन किस पे दी गई है, प्लीज ध्यान दीजिए, स्पेशल अटेंशन टू अवर सोसाइटी, द स्पेशल अटेंशन टू अवर सोसाइटी। नेक्स्ट वन,
अब ये है कि ठीक है, हमें ये बात समझ में आई, हमें अपने देश का विकास करना है, हमें अपने देश का डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। टू डिजाइन स्ट्रैटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी। स्ट्रैटेजी वर्ड जो आया है वो आर्मी से आया, स्ट्रैटेजोज इज अ लेटिन वर्ड, वहां से ये शब्द आया है। स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे, फ्रेमवर्क तैयार करने पड़ेंगे, और उसके बाद सिर्फ बनाने से ही कुछ नहीं होगा, उसको मॉनिटरिंग भी करना होगा। प्लीज अगेन रिपीट, उसको क्या करना होगा, मॉनिटरिंग देयर प्रोग्रेस एंड देयर एफिशिएंसी। कि प्लान बनाए बट वो सक्सेस नहीं हो पाया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। उसी के साथ नीति आयोग इज अ पॉलिसी टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्लीज प्लीज स्टॉप नॉइस एवरीवेयर, मॉनिटर। नीति आयोग इज अ पॉलिसी टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नीति आयोग जो है इज एक पॉलिसी टैंक है जिसके अंदर बहुत सारी मल्टीपल पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। व्हाट इज द एम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट? नाउ अगेन, नीति आयोग जो है वो एक बहुत बड़ा टैंक है किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसका एम है एस्टेब्लिश करना क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्या करना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड फॉस्टरिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फोस्टिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, मैंने बहुत अच्छे नोटिंग डेवलप कर रखी है। अगर फॉर्म की बात करें, इट इज फॉर्म्ड ऑन 1st of January एंड द ईयर इज 2015। तो ये कब फॉर्म हुई, 1st of January एंड द ईयर इज 2015। अगेन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगर ज्यूरिसडिक्शन की बात करें, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है दायरा। प्लीज ध्यान दीजिए, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है दायरा, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। चेयरपर्सन जो है नरेंद्र मोदी जी हैं। इट मींस ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, ये आपके एग्जाम में पॉइंट आ सकता है कि चेयरपर्सन इज नरेंद्र मोदी। यूजिंग बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप्रोच मींस नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ने वाली अप्रोच ये फॉलो करते हैं। इनका जो इनिशिएटिव्स हैं, हमने कहा था लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पे ध्यान देते हैं, प्लीज बताइए किस पे, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पे। तो इनका जो प्लान होता है वो 1, 2 या 3 साल का नहीं है, वो 15 ईयर्स रोड मैप होता है, 7 ईयर्स विजन स्ट्रेटेजी होती है एंड एक्शन प्लान होता है। अमृत डिजिटल इंडिया, अमृत डिजिटल इंडिया एक प्लान का इनका नाम है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। कौन सा प्लान है, अमृत डिजिटल इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, मेडिकल एजुकेशन रिफॉर्म। मैंने बताया था सेक्टर्स में इन्होंने मेडिकल पे ध्यान दिया है, सेक्टर्स में इन्होंने एजुकेशन पे ध्यान दिया है। तो नेक्स्ट इन्होंने जो प्लान है उसका नाम रखा है अटल इनोवेशन मिशन मेडिकल एजुकेशन रिफॉर्म। फेडरलिज्म इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म, किसे बोलते हैं? फेडरलिज्म का मतलब होता है ये नहीं कि सारी की सारी पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, उसमें से कुछ पावर, सम ऑफ द पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट अ स्टेट लेवल ऑल्सो, इज डिवाइडेड बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट एंड अदर गवर्नमेंट यूनिट्स। फेडरलिज्म का मतलब समझते ही होंगे। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, इसमें नेक्स्ट पॉलिसी फोर्स कोर्ट्स डिवीजन ऑफ पावर। व्हाट इज द पर्पज ऑफ इट, इज द पर्पज इज वेरी क्लियर, प्रिजर्व पर्सनल लिबर्टीज सेपरेटिंग पावर्स। मतलब पावर सेपरेट कर रखी है, अलग अलग पावर्स दे रखी हैं। नेक्स्ट नीति आयोग, एंटायर गैमेट ऑफ एक्टिविटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 main heads। प्लीज फोकस ऑन दिस पॉइंट, 4 main heads एंड दीज 4 main heads आर एज फॉलोज। आपके एग्जाम में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान दीजिए, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 main heads क्या क्या है, डिजाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, डिजाइन करना पॉलिसीज का, फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन। हाँ प्लीज 4 points पे ध्यान दिया है। देखिए आपने बड़े लंबे लंबे रिविजन करे होंगे, बहुत लंबे लंबे टाइम के आपने रिविजन करे हैं, बट मैं उस पॉलिसी पे आज काम नहीं कर रही, मैं इस पॉलिसी पे काम कर रही हूं कि कम से कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा चीजें ले सको। बहुत लंबे लंबे आपने 6-6, 7-7, 8-8 घंटे के रिविजन करे हैं, बहुत लंबी क्लासेस ली हैं, बट स्टिल आज जो है वो टाइम है वो बहुत लंबे रिविजन का नहीं है। आज जो टाइम है वो कम टाइम में मोटिवेशन आने का है, 15 मिनट्स में मेरा एक चैप्टर रिवाइज हो जाए, दैट इज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर सक्सेस। ओके, गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट वन दैट द थिंक टैंक एंड द नॉलेज एंड इनोवेशन हब, इनोवेशन हब। उसी के साथ साथ नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन हमारी है 7, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। ये आगे फिर इन्होंने 7 की बात करी, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकता है वो 7 की फुल फॉर्म आ सकती है। देखिए मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, बहुत अच्छी प्लानिंग हमने आपके लिए कर रखी है, आप बस हमारे साथ एक ही काम करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है, हर चीज के लिए हम आपको कोऑपरेट करेंगे।
सात की अगर हम बात करें, सात की फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आ सकती है, प्लीज फिर दोबारा से ध्यान दीजिए, सात की फुल फॉर्म, नीति की फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आ सकते हैं, फोर मेन हेड्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सात की फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। नेक्स्ट वन इज सात फोकस, किस किस पे फोकस करती है, ये भी आपके एग्जाम में एक पॉइंट आ सकता है कि सात जो है वो किस पे फोकस करता है। फर्स्ट वन इज अ एजुकेशन एंड सेकेंड वन इज अ हेल्थ। प्लीज ध्यान दीजिए, सात फोकस ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर। अगेन फिर सबका साथ सबका विकास, जब हमारा देश पढ़ेगा शिक्षित होगा तो आगे बढ़ेगा। एंड द सेकेंड वन इज हेल्थ, अच्छी होनी चाहिए। स्टेट सेलेक्टेड फॉर प्रोजेक्ट्स, किस किस स्टेट को इन्होंने सेलेक्ट किया, दैट इज द झारखंड, एमपी, उड़ीसा। देखिए आप अगर इन स्टेट्स को देखो, थोड़ा सा यहां पे दिक्कत है, क्योंकि यहां पे थोड़ी सी दिक्कत है, तो इसलिए इन स्टेट्स को ज्यादा फोकस किया गया। वन इज झारखंड, सेकंड वन इज एमपी एंड थर्ड वन इज उड़ीसा। फेसेस ऑफ प्रोजेक्ट्स इज थ्री फेसेस। थ्री फेसेस मींस द फर्स्ट वन इज 30 मंथ्स कमिंग टू एंड 2020। सेकंड फेसेस प्रोजेक्ट हैव बीन कंप्लीटेड एंड द मेजर अचीवमेंट अंडर प्रोजेक्ट ऑफ सात। आगे देखिए इसमें डायग्नोसिस पे ध्यान दिया, ट्रांसफॉर्मिंग रोड मैप्स, स्कूल डेवलपमेंट वर्क्स। नाउ नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन इज एमसीए, एंड एमसीए और कंपनी सेक्रेटरी का एक बहुत खास रिश्ता है। एमसीए से आपको अच्छी दोस्ती करनी पड़ेगी, एमसीए के बिना कंपनी सेक्रेटरी सक्सेसफुल नहीं है। एमसीए एक ऐसी संस्था है जिससे आपको एक दिन में 10-10 बार उनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा। एमसीए ही वो संस्था है जिससे आपका जन्मों जन्मों का नाता है। तो प्लीज ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं। फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। प्लीज एग्जाम में क्वेश्चन फिर से मैं बोल रही हूँ, सात की फुल फॉर्म आ सकती है, नीति की फुल फॉर्म आ सकती है, एमसीए की फुल फॉर्म भी आ सकती है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एमसीए का रोल क्या है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट सारे काम खुद से नहीं कर सकती, इसीलिए उन्होंने अपनी पावर्स जो है वो मिनिस्ट्री में डेलीगेट कर रखी है, इंस्टीट्यूशंस बना रखी है, जिससे हम फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं। तो एमसीए की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें, तो जितनी भी कंपनीज इंडिया के अंदर बनती हैं और बनने के बाद चलती हैं, उनकी पूरा रेगुलेट करना इज अ मेन वर्क ऑफ एमसीए। एमसीए मींस मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। नॉट ओनली द कंपनी एक्ट बट ऑल्सो द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अगर किसी को कंपनी बनानी है तो एमसीए के थ्रू बनेगी, अगर किसी को एलएलपी बनानी है तो एमसीए के थ्रू बनेगी, और अदर लॉज ऑल्सो, एलाइड लॉज ऑल्सो, जैसे कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड एक्सेट्रा। रेगुलेटिंग फंक्शनिंग ऑफ कॉरपोरेट सेक्टर, प्लीज ध्यान दीजिए इस पॉइंट पे। हाँ थोड़ा सा राइटिंग इश्यू है, बट थोड़ा सा आप देख थोड़ा ध्यान दोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। रेगुलेटिंग, रेगुलेट किसे करते हैं, फंक्शनिंग ऑफ कॉरपोरेट सेक्टर, जो कॉरपोरेट सेक्टर है उनके फंक्शन को रेगुलेट करना। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देके बताती हूँ। अभी आप छोटे से लेवल पे हो, छोटे क्लास में चल रहे हो, तो क्या है कि जितनी कंपनीज बनती हैं, जितनी भी कंपनीज बनती हैं वो एमसीए के थ्रू ही बनती है, एमसीए की साइट पे जाके बनती है। एमसीए ही इवन आपको जो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देते हैं, उसके बाद बनने के बाद जो उनके पूरे प्रोविजंस हैं उनको कहीं ना कहीं बेसिकली लाइक जो फॉर्म्स हैं, रिटर्न्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज टू बी फाइल टू द एमसीए। तो हम एमसीए को कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं, त्वमेव माता च, पिता त्वमेव, त्वमेव सखा च, बंधु त्वमेव। तो कहीं ना कहीं एमसीए प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया एंड द कॉर्पोरेट सेक्टर, इवन द एंटायर कॉर्पोरेट्स, कंपनीज, एलएलपीज एंड अदर कंपनीज लाइक स्पेशल कंपनीज जो होती है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, सभी कंपनीज को रेगुलेट करने का काम है एमसीए का। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि मैंने बताया, मैं बहुत ज्यादा लेंदी टाइम नहीं लूंगी क्योंकि यहां टाइम है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, आप अगर इस टाइम पे मुझे सुन रहे हो, इट मींस मेरी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, मेरी जिम्मेदारी इतनी बड़ी है, आई एम नॉट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट टू एनी स्टूडेंट। इस समय आप फेथ करके अगर इस टाइम पे देख रहे हो, खुद से नहीं पढ़ रहे हो, मुझे देख रहे हो, तो मेरी जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है और कहीं ना कहीं मुझे अपनी जिम्मेदारी बहुत ही मेहनत से निभानी होगी। तो अगेन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है एमसीए, एंड एमसी की फुल फॉर्म होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं आपके साथ बात करूं, एडमिनिस्ट्रेशन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने बात करी कंपनी एक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने बात करी एलएलपी, एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने बात करी एलएलपी। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्ट्री। नाउ व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्ट्री, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 का एडमिनिस्ट्रेशन करना। कॉम्पिटिशन एक्ट क्या है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ कि कॉम्पिटिशन एक्ट किसे बोलते हैं। एक्चुअली इंडिया के अंदर जो कॉम्पिटिशन को रेगुलेट करते हैं, कॉम्पिटिशन को बढ़ावा जो देते हैं, वो कॉम्पिटिशन एक्ट के थ्रू है और होना जरूरी है।
क्योंकि अगर बिल्कुल कंपटीशन खत्म हो जाएगा तो मुझे आप एक बात बताइए, अगर कंपटीशन खत्म हो जाएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? कस्टमर को होगा। तो हमारी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कंपटीशन खत्म हो और हमारे जो ग्राहक हैं उनके साथ किसी तरीके की कोई दिक्कत हो। तो उन्होंने एक एक्ट बनाया, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, और उसमें अथॉरिटी बिठाई कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज करो पेप्सी और कोक है, और पेप्सी और कोक जो है वो कंपनी दोनों एक साथ मिल जाती है, मर्ज हो जाती है। अभी जो आप पेप्सी और कोक 10, 15, 20, 30 रुपए में पी लेते हो, उन्होंने कहा ठीक है इंडिया में जो मेजर कंपनीज है वो दो ही है और वो दोनों कंपनी एक साथ मिल गई है, तो अब एक काम करते हैं, जो पेप्सी कोक का प्राइस 30 रुपीज की कैन थी अब उसको 60 रुपीज में करते हैं। तो अब आप कैसे पेप्सी पियोगे, एक सिप टू एक सिप में? तो इसका नुकसान किसको पहुंचा? कस्टमर को। तो ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसी अथॉरिटी है जो इनको कभी भी आपस में मिलने नहीं देगी, क्योंकि अगर ये मिलेंगे तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट किस पे आएगा? कस्टमर पे। नाउ नेक्स्ट वन, द व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002? इसका मैंने क्रक्स बना रखा है 3P। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 का जो ऑब्जेक्टिव है वो है 3P, प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। ऐसी कोई प्रैक्टिस ना कर सके जिससे नेगेटिव इम्पैक्ट आए कंपटीशन पे। प्रमोट सस्टेन कंपटीशन, अच्छा कंपटीशन बना रहे, और जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबडी? सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्पिटिशन 2002 इज 3P, प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन, प्रमोट एंड सस्टेन कॉम्पिटिशन इन मार्केट, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। एमसीए का एक और योगदान है, एक और रोल है, क्या? सुपरविजन करना। किस किस को सुपरविजन करना? एमसीए सुपरविजन करती है ICAI, ICSI एंड ICMAI। इनका सुपरविजन का काम भी कहीं ना कहीं किसका है? एमसीए का है। उसी के साथ साथ और थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, एफिलेटेड ऑफिसर्स ऑफ एमसीए कौन कौन सी? ICSI तो आप जानते हो आपकी इंस्टीट्यूट, सेकेंड वन इज सी इंस्टीट्यूट एंड थर्ड वन इज अ CM इंस्टीट्यूट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, द एफिलेटेड ऑफिसर्स ऑफ MCA इज SFIO। SFIO का रोल क्या होता है? जब बहुत ज्यादा सीरियस फ्रॉड होता है तो सीरियस फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये अथॉरिटी है जो कि MCA से अटैच है। इन्वेस्टिगेट कॉरपोरेट अफेयर्स। एंड CCI के, जो CCI की अगर बात करें तो वही 3P है ऊपर वाला। उसके बाद हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, IICS की फुल फॉर्म याद कर लेना। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस? कॉर्पोरेट अफेयर्स फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग इन वेरियस सब्जेक्ट। एक्चुअली क्या है कि जैसे ट्रेनिंग का काम जो होता है वो इन्हीं का ही होता है। IICA रिस्पॉन्सिबिलिटी कंडक्टिंग द इंडक्शन एडवांस ट्रेनिंग फॉर प्रोबेशनरी बिलोंगिंग टू ICLS। जो नए नए ऑफिसर्स इंट्रोड्यूस होते हैं उनको ट्रेनिंग कराने का काम इसका है। ये भी MCA से एफिलेटेड ऑफिस है, MCA बुलाती है, क्योंकि देखिए हर किसी को कंपनी की लॉ की नॉलेज नहीं होती है। हर कोई CS नहीं कर रहा है, हर कोई CA नहीं कर रहा है। इवन अगर किसी अदर हम कह सकते हैं जैसे कि सिविल एग्जाम को क्रैक करके किसी अथॉरिटी पे डेजिग्नेट हो रहा है, ऑफिसर बन रहा है, तो उसको जरूरत पड़ती है तो उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है प्रोबेशन पीरियड में। अब हम बात करेंगे सेबी की। प्लीज पहले तो आप इसकी फुल फॉर्म समझ लीजिए। फुल फॉर्म क्या है? सेबी एक्ट 1992 है। और सेबी आपने जो वर्ड सुना होगा कक्षा 11वीं क्लास, 11th क्लास के अंदर आपने ये सुना होगा। और सेबी की अगर हम बात करें तो सेबी इज अ वॉच डॉग ऑफ इन्वेस्टर, ये आपने जरूर सुना होगा। इसके अलावा मुझे पता है आपको कुछ भी नहीं पता। सेबी इज अ वॉच डॉग ऑफ इन्वेस्टर, नथिंग एल्स आपको नॉलेज है। तो सेबी क्या है? हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या हमारी जो सरकार है वो चाहती है कि मेरी प्रजा की रक्षा हो। मेरी प्रजा की रक्षा कैसे हो? कि किसी के साथ अन्याय ना हो, और किसी के साथ अन्याय ना हो तो उसके लिए उन्होंने अथॉरिटीज एस्टेब्लिश कर रखी हैं। तो सेबी की जिम्मेदारी जो है वो किसने दी? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा सुन साइबा सुन। कि क्या साइबा सुन? साइबा सुन तुम्हारी एक बड़ी जिम्मेदारी है। कि क्या? कि किसी भी इन्वेस्टर के राइट इफेक्ट नहीं होने चाहिए, किसी भी इन्वेस्टर के राइट इफेक्ट नहीं होने चाहिए। जो इन्वेस्टर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, उनकी प्रोटेक्शन करना, सिक्योरिटी मार्केट को डेवलप करना, जो इंटरमीडियरीज हैं उनको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी आपकी है। उन्होंने कहा अच्छा, मेरे पास ना कोई अस्त्र है और ना कोई शस्त्र है। किसने बोली ये बात? सेबी ने। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है मैं तुम्हें अस्त्र भी दूंगा और मैं तुम्हें शस्त्र भी दूंगा। अब व्हाट यू मीन बाय अस्त्र एंड शस्त्र हियर? द अस्त्र मीन्स सेबी हैविंग अ पावर टू मेक देयर ओन रेगुलेशंस। द वर्ड आई एम यूजिंग द वर्ड रेगुलेशन क्योंकि सेबी आने वाले 10 दिन के बाद आप जिस स्टेज पे पहुंचोगे वहां आपका सेबी से भी एक अच्छा रिश्ता रहेगा, क्योंकि सेबी भी आपको बहुत पढ़ना होगा।
सो सेबी जो है कहीं ना कहीं अस्त्र मीन्स इज रेगुलेटरी बॉडी सेबी हैविंग अ पावर टू मेक देयर ओन रेगुलेशंस एंड सेबी हैविंग अ पावर टू इम्पोज पेनल्टी इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रेगुलेशंस आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी सो स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेगुलेट इंडियन कैपिटल मार्केट मॉनिटर मॉनिटरिंग कैपिटल मार्केट एंड इट इज टू बी फॉर्म ऑन द अप्रैल 12 एंड द ईयर इज 1992 अंडर द सेबी एक्ट 1992 रीजनल ऑफिस की अगर हम बात करें तो रीजनल ऑफिस इन न्यू दिल्ली मीन्स ऑल फोर मेट्रोपॉलियन सिटीज न्यू दिल्ली चेन्नई कोलकाता अहमदाबाद What is the objective of SEBI? Indian capital market work in a systematic manner, provide investor with a transparent manner. Primary objective, wrong practices which is to be done in the market, galat practice jisse investor ka paisa kahin na kahin ja raha hai, usko protection dene ki zimmedari jo hai wo kiski hai kahin na kahin, hum keh sakte hain wo zimmedari hai SEBI ki. Functions of SEBI. थ्री पार्टीज होती हैं एक होता है इश्यूअर इश्यूअर मीन्स कंपनी जो फंड रेज कर रही है नंबर टू है इन्वेस्टर एंड नंबर थ्री है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इनको प्रोटेक्ट करना पावर्स ऑफ सेबी की बात करें तीन तरीके की पावर्स हैं क्वाशी जुडिशियल क्वाशी लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव सबसे पहले मैं क्वाशी वर्ड का मीनिंग समझाना चाहूंगी क्वाशी मीन्स होता है सीम्स टू बी लाइक अ कोर्ट प्लीज क्वाशी मीन्स होता है सीम्स टू बी लाइक अ कोर्ट हियरिंग एंड पासिंग जजमेंट्स यहां पे ही कोर्ट की तरह जजमेंट पास कर सकती है क्वाशी लेजिस्लेटिव मींस लुकिंग लाइक अ लेजिस्लेटिव बॉडी जो लॉ बनाते हैं तो ये अपने मैंने बताया रेगुलेशंस बनाती है क्वाशी एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटरी की तरह अथॉरिटी टू फाइल केस अगेंस्ट एनीवन नेक्स्ट वन नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन इज आरबीआई आपने सुना होगा क्लास 12 इकोनॉमिक्स में आरबीआई इज द एपेक्स मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन एंड ऑल दैट So it is to be full form is a Reserve Bank of India, I know everybody. Established on 1st of April and the year is 1935. Offices of RBI is Mumbai. Mumbai is a central office and governor reside there. Governor and policies resides in are formulated. वहाँ पे governor बैठते हैं और policies बनती है. Nationalization of RBI, मतलब राष्ट्रीयकरण कब हुआ था in the year 1949. RBI fully owned by Government of India. It means completely controlled by Government of India. What is the preamble of RBI? Describe basic functions of RBI to regulate issue of bank notes and maintain price stability. Bank notes issue करने की power किसके पास है? RBI के पास. उसी के साथ monetary authority है. Formulate, implement and monitoring the monetary policy. Objective maintaining price stability. Regulator and supervisor of financial system. Prescribe broad framework of banking operations. And the next one is manage FEMA, Foreign Exchange Management Act. नेक्स्ट लेवल जब आप एग्जीक्यूटिव पे पहुंचोगे तो फेमा के प्रोविजंस आपको देखने होंगे रीजन इज वेरी क्लियर क्योंकि जब भी कभी एक फॉरेन कंट्री से कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसको रेगुलेट करने के लिए पिक्चर में जो एक्ट आता है दैट इज फेमा एक्ट सो फेमा को भी पूरे तरीके से दैट इज टू बी रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड मीन्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट उसी के साथ आरबीआई का अगला वर्क होता है इश्यूइंग ऑफ करेंसी आपको पता है कि जितने भी नोट होते हैं हमारे आप उन पे चेक करना है उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव टू गिव एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ सप्लाईज पैसों की कमी ना पड़े रिलेटेड फंक्शंस जो है वो बैंकर टू गवर्नमेंट है बैंकों का बैंक जो है वो रिजर्व बैंक है और जितने अदर कमर्शियल बैंक ऑल कमर्शियल बैंक आर रेगुलेटेड बाय द आरबीआई डेवलपमेंटल वर्क भी है इनका परफॉर्म वाइड रेंज रोल ऑफ प्रमोशनल फंक्शंस टू सपोर्ट नेशनल ऑब्जेक्टिव जैसे अभी आपने देखा इतने बड़े पैंडेमिक में आपने देखा कि आरबीआई ने बहुत सारी नई पॉलिसीज बनाई उसी के साथ साथ अदर सिग्निफिकेंट फैक्ट्स 27 रीजनल ऑफिसेज अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कितनी रीजनल ऑफिसेज हैं तो अगेन कितनी रीजनल ऑफिसेज हम यहां पे बता रहे हैं देर आर टोटल 27 रीजनल ऑफिसेज आर देयर कितनी ऑफिसेज हैं 27 रीजनल ऑफिसेज आर देयर एंड 4 सब ऑफिसेज नेक्स्ट वन आईबीबीआई आईबीबीआई का मतलब क्या है हमारे देश के अंदर क्या होता था कि लोग या कॉरपोरेट्स या बिजनेसमैन बहुत सारा फंड लेते थे और फंड लेने के बाद वो रिटर्न नहीं करते थे फंड लिया लोन लिया बैंक से रिटर्न नहीं किया अब ये पैसा मेरा और मेरे फैमिली का मैं इसको रिटर्न नहीं करूंगा क्या करेगा बैंक जो सिक्योरिटाइज एसेट्स होती थी उनके अगेंस्ट एक्शन लेता था बट विद द हेल्प ऑफ कोर्ट एंड यू नो वेरी वेल इंडियन कोर्ट्स आर ओवरबर्डन इट टेक लॉट ऑफ टाइम टू रिजॉल्व दैट पर्टिकुलर केस सो द बैंक एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गेटिंग बोदर
बिकॉज इट टेक लॉट ऑफ टाइम एंड यू नो वेरी वेल इट गिव्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट टू अवर इकोनॉमी टू अवर कंट्री. द रीजन इज वेरी क्लियर व्हाई, बिकॉज द फंड इज ब्लॉक्ड, है ना. अगर फंड ही नहीं होगा तो बिजनेस कैसे होगा, जिसको जरूरत है उसे पैसा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे देंगी. जो जो दे सकता है वो उसको तो पैसा मिलना चाहिए ना, बट ये तो कुछ ही लोगों ने उस पैसे को ब्लॉक कर लिया है. एंड सबसे बड़ी बात, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैविंग नो पावर. तो इसका बहुत डिटेल वर्जन जब आप सीएस प्रोफेशनल में पहुंचोगे तो वहां पे मैं एक टॉपिक पढ़ाती हूँ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में, डीआरटी. तो डीआरटी इज अ डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल. हालांकि ये वक्त नहीं है मेरा वो चीज डिस्कस करने का, बट आई विल गिव यू अ स्मॉल क्लू कि किस तरीके से चीजें होती हैं. तो क्या होता था हमारे देश के अंदर, आपने जैसे कि देखा होगा कि प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, बैंक्स की अगर हम बात करें, बड़े बड़े स्कैम होते थे, बड़े बड़े फ्रॉड होते थे. जैसे प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, सपोज किसी ने अगर अपनी प्रॉपर्टी बुक करी रियल एस्टेट में और उसको पोजिशन नहीं मिला, या फिर उस जो कंपनी है वो जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने पैसा लिया और वो क्या करके चले गए, फ्रॉड करके चले गए. तो जो जिसने पैसा दिया उसके पास कोई अधिकार ही नहीं था. बट आज की डेट में जो एक्ट आया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक ऐसा यूनिफॉर्म कोड है. इवन इसमें कॉरपोरेट, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल भी जाके गुहार लगा सकता है. और यहां तक पावर है कि कंपनी बंद हो सकती है अगर उसने पैसा वापस नहीं किया. तो अब डर के आगे तो सब नाचते हैं ना. तो इसके आने से हमारे देश के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, मतलब बिजनेस करना आसान हुआ और पैसे की रिकवरी भी आसान हुई. क्योंकि अगर वो पैसा कंपनी नहीं देती तो उसे वाइंडिंग अप में भेज देते हैं. तो आईबीबीआई की फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आ सकती है. Insolvency and Bankruptcy Board of India, it is established on the in very few years, 1st of October 2016 after Narendra Modi government. And wo ki agar hum baat kare, key pillar of ecosystem, amend laws relating to reorganization, resolution of corporate institutions, unke liye plan banana. Unique regulator, regulator profession as well as process and regulatory oversight over the insolvency professional entities. एक्चुअली बहुत डिटेल में आपका यहाँ पे नहीं है, आपका एक 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 छोटा सा टॉपिक दिया है. बट आप जब एग्जीक्यूटिव में आओगे तो आपके यहाँ पे पूरा चैप्टर है, और जब आप प्रोफेशनल में आओगे तो वो मास्टर चैप्टर है. वहां पे भी आपको मैं पढ़ाऊंगी अगर आप मुझसे पढ़ोगे तो वहां पे हम कह सकते हैं यूनिक रेगुलेटर है. तो ये क्या कहना चाह रहे, इसमें ना थ्री टायर होता है, थ्री टायर बेसिक ये इंस्टीट्यूशन होती है. इसमें एक तो होती है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, इसके बारे में बताती हूँ. जैसे सीए इंस्टीट्यूट है, सीएस इंस्टीट्यूट है, सीएमए इंस्टीट्यूट है, ये तो इंस्टीट्यूट्स हैं. तो इनको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज. अब इनके जो प्रोफेशनल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, ये इनको एग्जाम देना होता है. एंड एग्जाम इज कंडक्टेड बाय आईबीबीआई. जो एग्जाम है वो कंडक्ट करती है आईबीबीआई. एलिजिबल पर्सन कौन है, सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट, ठीक है. जब वो एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है तो उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल. क्या बोलते हैं उसे, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल. प्लस एक होती है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी. इसके पास बैंक, ये नॉलेज ऑफ बैंक होता है, इसके पास बहुत सारी कलेक्शन ऑफ नॉलेज होती है. तो जब किसी कोई कंपनी अगर पैसा वापस नहीं कर रही तो उसमें आईपी अपॉइंट कर देते हैं. आईपी मीन्स इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल. वो फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट किससे करता है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से. ये कुछ इसका प्रोसेस है, बहुत डिटेल में नहीं जा रही, समय नहीं है. मेकिंग रूल्स, इट राइट एंड एनफोर्स रूल्स फॉर प्रोसेस. कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी को देखता है. Designated as a authority under companies registered valuer valuation and development of profession of valuers in the country. उसी के साथ साथ अगर आगे हम बढ़े, अब मेरा ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है एनसीएलटी. अगेन इट्स अ क्वाशी जुडिशियल बॉडी. बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए, लेकिन वही बात है कि आज जो है वो वाला टाइम नहीं है कि मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊं. मुझे फास्ट ट्रैक आपको रिवाइज करना है मिनिमम टाइम में. एनसीएलटी इज अ नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल. एनसीएलटी इज अ नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल इज अ फुल फॉर्म. एंड ट्राइब्यूनल इज अ क्वाशी जुडिशियल बॉडी. इट सीम्स टू बी लाइक अ कोर्ट बट नॉट अ कंप्लीट कोर्ट. ये पूरी कोर्ट नहीं होती. जितने भी कंपनी के केसेस हैं, जितने भी कंपनी की सारी चीजें हैं, वो एनसीएलटी में दी. ये कंपनी एक्ट 2013 से है, 1956 में कॉन्सेप्ट नहीं था. कॉन्स्टिट्यूट किया गया कंपनी एक्ट के सेक्शन नंबर 408 में. इसके जो बेंचेस हैं, प्रिंसिपल मेन बेंच जो है वो न्यू दिल्ली में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, और इसके अलावा अदर 10 बेंचेस हैं. कंपोजिशन की बात करें, हेडेड बाय प्रेसिडेंट, 16 जुडिशियल मेंबर्स, 9 टेक्निकल मेंबर्स. क्वाशी जुडिशियल बॉडी की बात करें, इनकॉर्पोरेटेड फॉर डीलिंग विद कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स. जितने भी कंपनी के डिस्प्यूट्स होते हैं वो एनसीएलटी में जाते हैं इंस्टीड ऑफ कोर्ट एंड अंडर द कंपनी एक्ट.
पावर ऑफ एनसीएलटी, जितने भी केसेस है उनको रिजोल्व करना, मेजर फंक्शन ऑर्डर देना, और रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, है ना, डिपॉजिट्स, पावर टू इन्वेस्टिगेट, फ्रीजिंग एसेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लास्ट वन इज अ एनसीएलएटी. एंड व्हाट डू मीन बाय एनसीएलएटी हियर? एनसीएलएटी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, फुल फॉर्म आ सकती है. इसकी फुल फॉर्म है जो एनसीएलटी के आदेश से सहमत नहीं है, ऑर्डर से सहमत नहीं है, वो क्या कर सकता है? एनसीएलएटी जा सकता है. एक बच्चा पूछ रहा है, मैम अगर एक बात बताइए, अगर बाय चांस एनसीएलएटी से भी कोई सहमत नहीं है तो फिर कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना. तो एनसीएलटी, एलएटी क्या है? एपीलेंट ट्राइब्यूनल है. एनसीएलटी के ऑर्डर से अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर वो जा सकता है एनसीएलएटी. कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 410 में. एनसीएलटी क्यों बनाई भैया? कंपनी के जितने केसेस है वो कहीं ना कहीं तो जाएंगी. ऑर्डर इफेक्ट 1 जून 2016. हियरिंग अपील्स, उसी के साथ कंपोजिशन हेडेड बाय चेयरपर्सन एंड कंसिस्ट नॉट मोर देन 11 मेंबर्स. टाइम ऑफ फाइलिंग 45 डेज. कहां से? जैसे एनसीएलटी ने जो ऑर्डर दिया उसके 45 दिन के अंदर अंदर आपको अपील लगानी है. कहां पे? एनसीएलएटी के. अगर कोई डिससेटिस्फाइड है ट्राइब्यूनल एनसीएलएटी से भी तो देन गो फॉर सुप्रीम कोर्ट. उसी के साथ विद इन 30 मिनट्स मैंने आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज करा दिया. इसी तरीके से प्रोफेशनल कोर्स का सबसे की पॉइंट यही है कि इस तरीके से हमें रिवाइज करना है. जो काम मैंने आपको एक चैप्टर में करके दिखाया, अगर आप अपना पूरा सिलेबस कर लेते हो, मैं सीएसडब्ल्यूटी की बात नहीं कर रही, मैं प्रोफेशनल की बात कर रही हूं, लास्ट स्टेज की बात कर रही हूं. अगर ये काम आपने कर लिया या आपको किसी ने करके दे दिया, दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती. दिस इज द मूल मंत्र, की स्ट्रैटेजी टू बिकम अ प्रोफेशनल विदाउट फेल. दैट इज द की स्ट्रैटेजी. क्योंकि जब एग्जाम होता है तो बच्चे को यही नहीं समझ में आता मुझे पढ़ना क्या है, उसे पढ़ने का तरीका ही नहीं पता होता, इसलिए फेल होता है. लेकिन अगर उसे पढ़ने का तरीका या तो खुद से आता हो या उसका एक जो मेंटर है, उसका जो गाइडर है वो बहुत अच्छा हो, और वो इस तरीके की चीजें अगर दे दे, 30 मिनट में एक चैप्टर किया, 4 घंटे में पूरा रिविजन कर लिया, दैट्स इट. दुनिया की कोई ताकत उससे फेल नहीं कर सकती. तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ, और अगली क्लास फिर हम आपको कहीं ना कहीं इसी तरह इसी लहजे पे आपको बताएंगे. तो कहीं ना कहीं आप हमारे साथ जुड़े रहिए. हमारा चैनल है सीएस प्रीति सिंह क्लासेस, आप उससे कनेक्ट रहिए. बहुत कुछ आपके लिए प्लान किया है, बट अभी आपको सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि टाइम कम है. जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे आपको बताते जाएंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. नेक्स्ट क्लास भी आपकी आ रही है, नेक्स्ट चैप्टर की, ओवरव्यू ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट. थैंक यू.